हे गाइस, सुमित यार। और आज मैं आपसे बात करूंगा पबजी मोबाइल गेम के बारे में, जो इंडिया में एक वायरल रोग के जैसा फैलता जा रहा है। एंड मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम में बहुत से स्टूडेंट फेल होने वाले हैं, बहुत से लोगों का ब्रेकअप भी हो रहा है और बहुत से लोग परेशान है अपने सस्ते फोन को लेकर, क्योंकि उनके मोबाइल में पबजी ठीक से नहीं चलता है, बट फिर भी वो खेलते हैं क्योंकि बहुत जरूरी है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे नेचुरल ट्रिक्स बताऊंगा जिसको यूज करके आप मिड रेंज फोन में, सस्ते फोन में अच्छे से पबजी को चला सकते हो और अपने पबजी खेलने के एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा अच्छे से इनहेंस कर सकते हो। इसके लिए ना तो आपको कोई सॉफ्टवेयर, ना ही कोई स्क्रिप्टेड फाइल आपको कॉपी पेस्ट करना होगा किसी भी फोल्डर में, जैसा कि आपने यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। बट मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि वो सारे वीडियो फेक है। जब एक ब्रांड किसी एप्लीकेशन को डेवलप करती है और वहां पे इतने सारे लोग एक साथ खेलते हैं तो उसका सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट होता है। और पबजी गेम जो है वो मोबाइल के अकॉर्डिंग अपने आप उसके सेटिंग्स को अज्यूम कर लेता है। ग्राफिकल सेटिंग की मैं बात कर रहा हूँ। पबजी जो है वो बहुत ही हाई एंड गेम है और उसको डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल के लिए भी अलग अलग FPS, अलग अलग ग्राफिकल सेटिंग्स के लिए भी बनाया गया है, जो कि ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। तो जो सबसे पहला ट्रिक है वो है कि आपको समझना पड़ेगा कि सर्वर क्या होता है। जब आप PUBG गेम को ओपन करते हो वहां पे बहुत सारे आपको टॉप साइड में सर्वर दिखेंगे जहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप इंडिया से खेल रहे हो तो बाय डिफॉल्ट आपका सर्वर एशिया पे होगा। तो जब आप उस ड्रॉप डाउन में क्लिक करोगे आपको एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका बहुत सारे सर्वर दिखेंगे। उस सर्वर के जस्ट राइट साइड में आपको कुछ नंबर दिखेगा और उसके साइड में IMS लिखा होता है। इसका मतलब ये होता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट सर्वर है और कौन से सर्वर में कितना ज्यादा स्ट्रेंथ होता है। आपने कभी भी नोटिस किया होगा कि कोई भी एक सर्वर ग्रीन कलर का होता है, जो बिलो 200 IMS होता है वो ग्रीन कलर का होता है। तो जैसे आप अपना गेम स्टार्ट करने जा रहे हो तो सबसे पहले एक ऐसा सर्वर को सिलेक्ट करो जहां पे सबसे कम नंबर में IMS है या फिर जो ग्रीन कलर में है। मैक्सिमम 300-350 के ऊपर आपको सब देखने को मिलेगा। बट यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका दो ऐसा सर्वर है जहां पे मोबाइल में पबजी काफी कम लोग खेलते हैं और ये जो सर्वर स्ट्रेंथ है ये आपको मोबाइल का दिखेगा, ना कि पीसी का दिखेगा। तो सबसे पहले आपको एकदम हल्का सर्वर को सिलेक्ट करना पड़ेगा ताकि आपका गेम फ्लूडली चले। कभी कभी हमें लगता है कि हमारा इंटरनेट स्लो चल रहा है, और अगर आपने कभी नोटिस किया होगा, अगर आप मिड रेंज मोबाइल में खेलते हैं, आप जैसे पबजी खेल रहे हो, अगर आप थोड़ा सा आगे जाते हो तो फिर से आप पीछे से वहीं से स्टार्ट होते हो और ये लैग होना चलता रहता है और ये काफी ज्यादा इरिटेटिंग लगता है, जो मुझे भी लगा था। मैं स्पेशली मेजू M3 नोट में खेलता हूँ जो कि आज से 2-2.5 साल पुराना सेटअप है और हिलियो P10 का प्रोसेसर है, जो बहुत ही सस्ता सा प्रोसेसर है, बट उसमें भी मैं पबजी को इस ट्रिक का यूज करके अच्छे से चला सकता हूँ, इवन चलाता भी हूँ। और आपको लगता होगा कि आपका इंटरनेट स्लो है इसलिए ये गेम ऐसा लैग कर रहा है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ये सब कुछ सर्वर पर डिपेंड करता है। सेकंड चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आप गेम को स्टार्ट करने जा रहे हो सबसे पहले अपने मोबाइल का सारा टास्क को क्लीन करो। लाइक आपने 15-20 टास्क आपने ओपन कर रखे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपका रैम मेमोरी होता है, जो आपका प्राइमरी मेमोरी होता है जिससे फोन को स्पीड मिलता है, उसका कुछ कुछ हिस्सा हर एक टास्क में डिवाइडेड होता है। और उसके बाद जब आप पबजी को रन करोगे तो उसका सारा मेमोरी का स्ट्रेंथ एक पर्टिकुलर गेम पे लगेगा, एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे लगेगा, जिसके वजह से आपका गेम फ्लूडली चलेगा। और अगर आपको कॉन्फिडेंट है कि आपके मोबाइल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप ये सारे कुछ अच्छे से कर रहे हो, तो आप एक बार रीस्टार्ट कर लो, ये एकदम सही बात है। एंड्रॉयड मोबाइल में एक्चुअली जावा प्रोग्रामिंग यूज होता है और जावा प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि वहां पे गार्बेज कलेक्शन होता है। आप में से बहुत से लोग ये चीज समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं वो ये बात अच्छे से समझ पाएंगे। जावा प्रोग्रामिंग में गार्बेज कलेक्शन होता है जिसकी वजह से मेमोरी अच्छा खासा एलोकेट हो जाती है, तो जब आप रीस्टार्ट करते हो तो वो अच्छा खासा फ्री हो जाता है और फोन काफी अच्छे से फ्लुएंटली वर्क करता है। उसके बाद मैं बोलूंगा यूज सेलुलर डेटा इंस्टेड ऑफ वाईफाई। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि अगर आप वाईफाई के नेटवर्क पे पबजी खेलते हो और अगर उस वाईफाई में बहुत सारे लाइक 4-5-6 फोन एक साथ कनेक्टेड है तो फिर आपका पबजी गेम लैग करेगा, क्योंकि उसका एक ही सोर्स होता है राउटर और एक सोर्स से बहुत सारे लोग कनेक्टेड है, तो वो जो डेटा आपके मोबाइल में ट्रांसफर हो रहा है वो बहुत ही हेवी हो गया है। अगर आप सिंगल यूजर हो तो ठीक है क्योंकि डेटा स्ट्रेट आपके मोबाइल में आ रहा है, अगर वहीं से बहुत सारे चैनल क्रिएट हो जाते हैं ना तो वो डिवाइड होता है। इंटरनेट की स्पीड से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि जो पबजी का सर्वर है वो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा भारी होता है और उसके ऊपर बहुत सारे चैनल कनेक्टेड अगर नेटवर्क जाता है तो वो उसके सर्वर में थोड़ा थोड़ा लैग लाता है, वो सिर्फ आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। बट इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप एक एवरेज स्पीड लाइक 3G पे भी यूज करते हो पबजी को अपने सेलुलर डेटा पे, तो उसका एक ही सोर्स होता है कि आप उसको यूज कर रहे हो, आपने किसी को शेयर नहीं कर रखा है, तो उसका जो सीधा डेटा आता है वो डायरेक्ट पबजी पे आता है। क्योंकि अगर आप पबजी गेम 1 घंटा भी खेलोगे ना तो आपका हार्डली 10-15 MB यूज होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। उसके बाद जो पॉइंट आता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक मिड रेंज मोबाइल यूज करते हो जो कि 7-8 हज़ार से 15-14 हज़ार के बीच वाला जो फोन होता है, तो डेफिनेटली आपके पास 32 GB या फिर ज्यादा से ज्यादा 4 GB रैम एंड 64 GB इंटरनल वाला वेरिएंट होगा, इससे ज्यादा आपके पास नहीं हो सकता। तो वैसे वैसे मोबाइल में भी पबजी कभी कभी लैग करता है। इसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि आपके मोबाइल की जो इंटरनल मेमोरी होती है
वो बहुत ही ज्यादा कैप्चर्ड होती है, बहुत ही ज्यादा ऑक्यूपाइड होती है। और किस टाइप का डेटा आपको अपने मोबाइल में बहुत ही ज्यादा कम या फिर नहीं रखे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, अगर आप पबजी का एक प्राइमरी प्लेयर हो और आप हमेशा पबजी खेलना चाहते हो। तो सबसे पहले आता है 4K वीडियोस और 60 FPS वाले जितने भी वीडियोस आप अपने मोबाइल में रखते हो, और HD क्वालिटी के जो लॉन्ग वीडियोस होते हैं। बहुत से लोग होते हैं कि अपने मोबाइल को एक मूवी हॉल बना के रखते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करो। अगर आप ऐसा करते हो तो पबजी रन करने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जो वीडियो होता है, जो हाई FPS के वीडियो होते हैं, जो हाई क्वालिटी के वीडियो होते हैं, वो जब रन करते हैं तो वो लॉन्ग टाइम तक रन करते हैं, और जितना टाइम तक रन करते हैं वो उतने ज़्यादा मेमोरी को कैप्चर करके रखते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया, एंड्रॉयड मोबाइल में एक बार जो मेमोरी कैप्चर होता है वो अपने आप क्लियर नहीं होता है, उसको क्लियर करना पड़ता है। तो अगर आप वो सब रखोगे नहीं तो आपका गेम काफ़ी फ्लुएंट चलेगा। सपोज आपके पास 32 GB वाला वेरिएंट है तो आपको कम से कम 8 GB इंटरनल मेमोरी को हमेशा क्लियर रखना होगा, और अगर आप 64 GB यूज़ करते हो तो 14 से 15 GB तक इंटरनल मेमोरी को एटलीस्ट क्लियर करके रखो। मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा स्पेस है, बट पबजी बहुत अच्छे से रन करेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। एंड गेम स्टार्ट करने के पहले मेक श्योर कि आपने जंक क्लीन कर रखा है। जब आप जंक क्लीन करते हो, आजकल के सारे टिपिकल डिवाइस में जो भी कस्टम UI वाले जो फ़ोन होते हैं उसमें जंक क्लीनर होता है फाइल मैनेजर में। और अगर आपने आज तक कभी भी अपना कैशे मेमोरी को क्लियर नहीं किया तो मैं गारंटी देता हूँ आप अभी जाकर उसको क्लियर करो, और कम से कम 1 से 1.5 GB तक आपको क्लीन मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपको अच्छा खासा मेमोरी भी क्लीन मिलेगा और कैशे मेमोरी एकदम क्लियर हो जाएगा, जिससे कि आपका डिवाइस फास्ट वर्क करेगा। मिड रेंज और मेरे जैसे सस्ते फ़ोन यूज़ करने वाले लोग एक चीज़ और कर सकते हैं कि आप सबसे पहले अपने सेटिंग में जाओ, बिल्ड नंबर में जाकर 2-3 बार टैप करो तो आपको एक डेवलपर का ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपली डेवलपर के ऑप्शन में जाओ तो वहाँ पे सिंपली स्क्रॉल डाउन करो और वहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जहाँ पे होगा 4XMSAA, उसको आपको इनेबल करना है। उसको इनेबल करके आप एक बार फिर से गेम को रीस्टार्ट करके ट्राई करो, फिर भी अगर आपको कोई लैग फील होता है तो चुपचाप उसको बंद कर दो, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो सारे मोबाइल में प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। लास्टली मैं आपको रिकमेंड करूंगा ग्रेनिफाई एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए। एक्चुअली ये कोई गेम ट्विकर एप्लीकेशन नहीं है, ये एक्चुअली आपके मोबाइल में जो बैकग्राउंड एप्लीकेशन रन करता है, जो अच्छा खासा डेटा कंज्यूम करता है, अच्छा खासा मोबाइल का CPU परफॉर्मेंस भी कंज्यूम करता है, वो उसको स्टॉप करेगा। सो गाइस, अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही था, और अगर आपको ये पबजी मोबाइल ट्रिक पसंद आया ना तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करो। लाइक करने से बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा नहीं, बट उससे इस वीडियो को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा, एक जेन्युइन वीडियो बहुत अच्छे लोगों तक पहुंच जाएगा। एंड मेक श्योर कि आपने बेल नोटिफिकेशन को भी इनेबल कर रखा है, क्योंकि पबजी से रिलेटेड मैं और भी बहुत सारे वर्किंग एंड जेन्युइन ट्रिक लेके आने वाला हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। शेयर करो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। यू गाइज हैव अ ग्रेट डे।